आप लोग बस ढूंढ ही रहे उसे। पूरा हरिद्वार जानता है उसे, और आप कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक हर जगह देख लिया, लेकिन रुद्र भाई कहीं नहीं मिले। और गौरी, वो कहीं मिली रास्ते में? बस कहती, कम से कम इस वक्त उस पराई लड़की के बजाय अपनों की फिक्र करो। कहाँ है मेरा बेटा? देखिए, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। अगर तूने मेरे बेटे का पता साफ साफ नहीं बताया तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं सच कह रही हूं, मुझे रुद्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मत बता, बात उगलवानी मुझे भी आती है। क्या हुआ प्रतीक, ऐसा क्या कर दिया रुद्र ने जो तू आज हमारे घर तक पुलिस ले आया है? दरअसल बात यह है कि आज दोपहर ज्वालापुर में हमें एक लावारिस कार मिली है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी पेपर्स मिले हमें कार से, उसमें रुद्र सिंह रावत का नाम था। गाड़ी को कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है ना? गाड़ी की हालत बहुत ही खराब है। गाड़ी तो मिली है, लेकिन रुद्र का कुछ पता नहीं चला है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ है कि इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप लोग जल्दी से पता कीजिए, और जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन मिले हमें तुरंत फोन कर दीजिए प्लीज। जी आई। रीमा तू अचानक यहाँ कैसे? बस ऐसे ही आ गई। हाय 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 हाय, मेरठ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि तुझसे पीछा छूट गया। तू वापस आ गई, तू यहाँ क्यों अटक गया? आप बिना माँ बिल्कुल नहीं बदले। रीमा, शंकर कहाँ है? उसे नहीं लाई तू साथ में? बहुत बड़ा हो गया होगा ना? हाँ हाँ, बाहर रिक्शे वाले को पैसा दे रहा है, बस आता ही होगा। उन्हें जरूर ढूंढकर घर वापस ले आऊंगी। बस कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास। मेरे बेटे को ढूंढने के लिए मुझे किसी ऐरे गैरे की मदद नहीं चाहिए, समझी? अपने काम से काम रख, बस। आप अपने बेटे को ढूंढिए और मैं अपने दोस्त को ढूंढूंगी। आड़ में गई तेरी दोस्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह जबान लगाने की? हमारे घर में रहकर हमी को जवाब देती है तू? चल सुनिए, बहुत हो गया तेरा नाटक। तेरा पहला काम ये है कि तू मेरे बेटे को, अपने मालिक को सही सलामत घर वापस लेकर आ। आज दोपहर ज्वालापुर में हमें एक लावारिस कार मिली है। गाड़ी की हालत बहुत ही खराब है। गाड़ी तो मिली है, लेकिन रुद्र का कुछ पता नहीं चला।